तो फाइनली भाई हम निकल चुके हैं आज की राइड में। अब देखते हैं कहाँ जाएंगे, कोई प्लान नहीं है अभी। मैं स्कूटी पे हूँ और दो भाई अपने ओ मैं स्कूटी पे बोल रहा हूँ, मैं बाइक पे हूँ तो दो भाई मेरे जा रहे हैं स्कूटी पे। तो हम निकल गए हैं फुल पावर राइड में। तो भाई अभी पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे बख्शी नगर वाली रोड पे, इस रोड का नाम नहीं मुझे पता, तो पंचतीर्थी वाली रोड। तो यहाँ से निकलेंगे भाई सीधा बाहर वाली साइड, तो वहाँ से देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो भाई सिद्रा राइड पे आज का कोई प्लान नहीं है मेरा, तो आज हम फिलहाल यहाँ से जाएंगे आगे जगती वाली साइड। तो अभी कोई प्लान नहीं हुआ भाई कहाँ जाना है। पहले हमारा था कटरा वाली साइड जाने का प्लान, तो आज अब देखते हैं, वहाँ पे बारिश वगैरह हो रही है तो थोड़ी हैवी रेनफॉल चल रही है वहाँ पे, हैवी रेन भाई। तो अभी देखते हैं भाई कहाँ जाते हैं, फिलहाल तो हम चलते हैं देखते हैं। फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं सिद्रा पुल के पास, तो यहाँ पे रुकते हैं भाई, देखते हैं कहाँ का प्लान बनाते हैं। तो यहाँ पे साइड पर लगाते हैं भाई बाइक को, तो यहाँ पे नाका भी लगा है भाई, तो इधर लगाते हैं दोनों बाइक को, देखते हैं अभी क्या बोलते हैं। क्या बात है यार, तो भाई यहाँ से चेक करो व्यू, सिद्रा पुल नेक्स्ट लेवल भाई भाई। तो भाई हमारे साथ है यहाँ पे युवराज भाई, अपने युवराज भाई दिख नहीं पा रहे हैं यहाँ से, तो कोई बात नहीं आगे जाके दिखाते हैं हम युवराज भाई का फेस। देन ये स्नैप पे बन रही भाई, क्या बात है नेक्स्ट लेवल। तो भाई यहाँ पे आपको एक चीज़ बताई नहीं मैंने, जैसे कि आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हो, यहाँ पे ये इस ट्रक में आए थे मिलीडेंट वगैरह, तो बहुत मतलब गंदा सीन हो गया था यहाँ पे। तो यहाँ से चेक करो यार, मतलब पूरा उड़ा दिया था भाई, एक ही मिसाइल फेंकी थी और पूरा ख़त्म कर दिया था यहाँ पे ट्रक को। तो भाई यहाँ से निकलेंगे, एक स्कूटी वाले भाई हमारे आगे चले गए, तो जानू भाई आ रहे पीछे पीछे, चलो उनका वेट करते हैं, देन यहाँ से निकलते हैं हम, ठीक है ना। तो फाइनली भाई हम निकल चुके हैं फुल पावर राइड पे। देन आप यहाँ से चेक करो यार सिद्रा हाईवे, तो भाई मतलब नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे, नेशनल हाईवे है। तो अभी जाएंगे हम फुल एंजॉय करेंगे, ओके ना। और साथ में थोड़ी सी बाइक का सेट कर देते हैं सिस्टम, चलो भाई। तो भाई आज सुबह सुबह पहले उठ के सुबह 8 बजे बंदे की दुकान खुली सर्विस स्टेशन वाली, तो भाई बाइक की करानी थी सर्विसिंग, तो भाई इसमें ऑयल थोड़ा कम था। बंदा बोल रहा था कि बिना सर्विस के मतलब 50 किलोमीटर से ज़्यादा चलेगा नहीं है, अगर चलाओगे तो फिर इंजन सीज होने का थोड़ा डर रहता है। तो मैंने करवा ली भाई सुबह उठ के पहले सर्विस, भाई दुकान ने सारी बंद थी, ऊपर से आज सुबह बारिश पूरी मतलब गंदी बारिश हो रही थी यार। तो आज सुबह पहले उठ के सुबह सुबह बिना नहाए भाई चले गया सीधे बस सर्विस स्टेशन पे, तो वहाँ पे कराई मैंने पूरी सर्विस बाइक की। देन उसके बाद निकले हम भाई राइड पे, राइड पे नहीं पहले गया घर वापस, फिर नहाया एंड लंच लंच पर ब्रेकफास्ट तो हुआ नहीं, तो भाई लेट हो गए थे, बनाना खा लिए भाई, तो बनाना खा के हम निकल गए थे। तो यहाँ पे भाई लगा हुआ नाका, तो देखते हैं भाई क्या सीन है। तो भाई यहाँ पे लगा है नाका, देन यहाँ पे रोकते ज़रूर हैं, लेकिन अब हमारे पास लाइसेंस वगैरह तो सब कुछ है भाई, डॉक्यूमेंट्स का कोई इशू नहीं है, तो रोका नहीं इन्होंने, तो ठीक है भाई। तो भाई आज 31 मार्च है, तो भाई आज चालान वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि पिछले साल भी 31 मार्च को बहुत ज़्यादा चालान हुए थे। इस टाइम पे वर्क थोड़ा हार्ड रहता है, तो उस वजह से चालान वगैरह थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो भाई मैंने पेट्रोल तो डला लिया हुआ है, तो यहाँ से अब पीछे जो दो स्कूटियाँ आ रही हैं उनका कोई पक्का पता नहीं है। ये देखो भाई बिना इंडिकेटर के, भाई अंकल यार क्या है। तो भाई ना कोई इंडिकेटर दिया और ना कुछ अंदर सीधे, फिर बोलते हैं भाई आप बाइक बड़ी गलत चलाते हो, यही चीज़ें भाई मारती हैं सबको। तो यहाँ पे वेट करते हैं भाई उनका। तो भाई हम पहले हवा चेक करा लेते हैं यार, हवा चेक करवा लेते हैं यार,
क्योंकि हम चाहते नहीं हैं कि भाई हमारी राइड में कोई प्रॉब्लम आए, तो हवा चेक करा लेते हैं यहाँ से। तो भाई पहले स्कूटी की चेक करेंगे हवा, देन उसके बाद मोटरसाइकिल की। यहाँ पर लगाते हैं भाई बाइक को और हवा चेक करवा लेते हैं यार पहले। तो भाई बाइक के साथ देखो, कल पूरा वॉश किया था मैंने, पूरा पॉलिश कराया था, कराया क्या खुद ही किया था भाई मैंने और जानू भाई ने। तो भाई जानू भाई ने इतनी मेहनत की थी, पूरा बाइक लिशकाया था, और उसके बाद ये देख रहे हो भाई मिट्टी, देखो बीच में भाई देख रहे हो वहाँ पे मिट्टी, पूरी मिट्टी ही मिट्टी हो गई भाई। तो भाई आगे वाला टायर इसका बिल्कुल गंजा हो गया, आपको दिखाता हूँ मैं, इसकी ग्रिप बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो बिल्कुल ख़त्म हो गई है भाई इसकी ग्रिप। तो अभी चलेगा, बंदा बोल रहा है कि इसको चलाओ एक दो महीना, तो उसके बाद चेंज कराना। ठीक है यार। तो यहाँ पे अपने दिनेश भाई फुल पावर रेस चल रही है आज। तो यहाँ पे अपने युवराज भाई, क्या बात है यार। तो भाई एक ट्रक आ रहा था, अभी रॉन्ग साइड आ गया था वो भी भाई रॉन्ग साइड चल रहे हैं ट्रक वालों को पता भी है कि भाई मतलब गाड़ियाँ नहीं स्पीड में चल रही होती है नेशनल हाईवे पे, तो फिर भी रॉन्ग साइड जाना है। तो भाई यहाँ पे है चंडी माता का मंदिर, यहाँ पे जा करो भाई सारे। ओ तो यहाँ पे रुकते हैं, क्या पता है यहाँ पे भी जा सकते हैं हम, कोई प्लान नहीं है, लेकिन तो मिनट यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं। आया जानू हा? जानू आया तो जानू छोड़, तेरा मामा बोल रहा हूँ पीछे, तो कहीं रोज आती है जहाँ पे दिखे पहले आती। तो भाई इधर गंदा सीन हो गया यार, मेरे दोस्त के मामू हैं यहाँ पे पीछे गाड़ी लेके आ रहे हैं। तो भाई दोस्त बोल रहा है कहीं साइड पे लगा बाइक जहाँ पे मेरे मामू हमें देख ना भाई, चले यहाँ पे इधर चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं यार, इधर चलते हैं, देखना वो निकल नहीं जाए आगे। तो भाई यहाँ पे लगाया बाइक हमने साइड पे, तो यहाँ से देखो भाई जंगल व्यू चेक करो भाई, क्या बात है। तो भाई यहाँ से मोड़ के लाया हमने बाइक, तेने यहाँ पे खड़े अपने युवराज भाई, युवराज भाई के मामू आ गए हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे लगाते हैं दो मिनट ब्रेक, देन जानू भी नहीं आया। तो भाई यहाँ पे युवराज भाई के मामू अभी निकल गए सामने से, उन्होंने देखा नहीं, तो जो युवराज भाई वहाँ पे खड़े थे साइड में, तो भाई अगर देख लिया होता ना, युवराज भाई ने घर पे बोला कि मैं मासी के घर जा रहा हूँ, तो ये जा रहे हैं अपने मासी के घर दूसरी वाली। तो भाई जानू भाई पता नहीं कहाँ रह गए, उनको करते हैं हम कॉल। तो भाई अभी जानू भाई के साथ हम थोड़ा करेंगे सीन, देन उनको बोलेंगे कि भाई बाइक हो गया यहाँ पे सीज। तो भाई क्योंकि आज मैंने आज ही अपना इंजन ऑयल डाला है, तो भाई उसको इतना बाइक के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे कि भाई स्कूटी इसको बाइक को पता नहीं क्या हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो भाई फिर उससे देखते हैं क्या बोलता है वो, तो देखते हैं यार। तो भाई अभी इनको डराएंगे हम थोड़ा सा। तो भाई दिनेश भाई आ गए दूसरी वाली जो स्कूटी है, जानू अभी आ रहा है पीछे से, देन हम वेट करते हैं जानू का, देन हम एक काम करते हैं इसका रेस पूरी बंद कर देते हैं, नहीं रेस ज़ीरो कर देता हूँ नहीं बस। तो भाई अब जैसे स्टार्ट होगा वैसे बंद हो जाएगा। तो भाई जानू भाई आ गए हैं, तो अभी इनके साथ थोड़ा मजाक, भाई देखना भाई अब क्या करें यार, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा। तो भाई बाइक बंद हो गई यार, बाइक ही बंद हो गई यार, अब क्या करें यार, ये देखो यार। तो भाई यार बाइक बंद हो गई यार, जानू क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा मेरे को। युवराज भाई बताओ यार इनको, स्टार्ट ही नहीं हो रहा यार, स्टार्ट हो रहा तो रेस देके वापस बंद। तो भाई जानू भाई यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं बाइक को, जानू भाई बोल रहे धक्के में स्टार्ट करेंगे।
तो भाई बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा यार, क्या करें। ओए वहाँ पे नहीं जाना यार, वहाँ पे ही तो बंद हुआ। साले हो तो क्या स्टार्ट? वो स्टार्ट हो गया भाई, तनु भाई ने बाइक स्टार्ट कर दी। तो भाई अब हम वापस कर देते रहे ज़्यादा। यार ये हमारा थोड़ा फेक हो गया यार, थोड़ा हमको कोई तार वगैरह खोलनी चाहिए थी यार, सीन नहीं हुआ यार। जानवी भाई के साथ सीख के लगाने थे हमने। यार थोड़ा सा सीन आ जाता यार तो मज़ा आ जाता यार। मतलब जानू भाई ने स्टार्ट यार किक ही मार दी, वहाँ सीधा सेल्फ मारा नहीं, सीधा किक ही मारी। तो भाई यार कुछ और करना चाहिए यार। तो भाई हम चलते हैं अब आराम से, क्योंकि लंबा सफ़र है, कहाँ जाना है कोई पता नहीं है कोई। हाँ तो भाई ठंडी ठंडी हवा चल रही है यार, ठंडी हवा चल रही है यार। तो भाई तो भाई जो हमारे पीछे बैठे हैं युवराज, तो प्रो यार अच्छा। तो भाई हम बोल रहे हैं कि भाई मतलब ये जो अपने भाई बैठे हैं युवराज भाई, तो ये उधमपुर से हैं, मतलब इनका घर ऐसे बंतला में है, इनके मामू का घर है, नानी का घर वहाँ पे है उधमपुर वाली साइड। तो भाई यहाँ पे हम व्यू पॉइंट पे रुकेंगे पहले। ऊपर चढ़ाएं यहाँ से मोटरसाइकिल। तो भाई यहाँ पे लगाते हैं बाइक। तो भाई यहाँ से व्यू चेक करो यार, मतलब नेक्स्ट लेवल भाई बारी है यार यहाँ पे। तो यहाँ से नीचे चेक करो भाई, क्या बात है यार। करण बस जा रही भाई, करण है किरण, किरण है भाई। तो भाई यहाँ पे देखो युवराज भाई फुल फॉर्म में है। तो फाइनली भाई तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम टोल पे। देन भाई बाइक पे सबसे बड़ा प्रॉफिट एक ही चीज़ का है, नो टोल, नो टोल नो शोल, ओनली यू गोल। भाई मतलब कोई टोल नहीं लगता, कोई कुछ नहीं, आराम से जाओ जहाँ भी जाना है, फ्री है भाई सब कुछ। बस बाइक में पेट्रोल डालो और सर्विसिंग वगैरह कराओ और निकलो भाई, जहाँ मर्जी निकलो, जहाँ भी जाना जाओ। मतलब यहाँ पे कोई टोल वगैरह नहीं लगता बाइक पर, और बाकी सब ठीक है। बाहर वाली साइड फिर लग जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि उत्तराखंड वगैरह वाली साइड, वहाँ पर टोल वगैरह लग जाते हैं मेरे ख्याल से बाइक पर, क्योंकि मैंने भी ब्लॉग वगैरह देखे थे UK07 राइडर के। तो यहाँ पर देखो एक क्या बात है यार, नेक्स्ट लेवल यार। और ये ट्रक को चेक करो भाई कैसे जा रहा है, पूरा फुल लोड किया इसने। तो भाई इसका जो ट्रक का लोहा है वो भी डाउन हो गया, इतना वेट उठाया ट्रक ने, मतलब नेक्स्ट लेवल यार। तो भाई इन ट्रकों की लाइन शुरू होती है, आप यहाँ से मीटर पे चेक करो, 21 किलोमीटर है अभी चल रहा। तो भाई पीछे भी 2-3 किलोमीटर हो गए मुझे कवर कर लिया जो मैंने इनको ट्रक्स को, मतलब यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन होती है कुछ कह नहीं सकते भाई। देखते हैं 6 किलोमीटर भाई कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है 6 किलोमीटर। हो गया भैया 500 मीटर में। तो भाई यहाँ पे लाइन ख़त्म होती है समझ लो 7 किलोमीटर दूर भाई, मतलब 7 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी, 7 किलोमीटर की ट्रकों की लाइन लगी हुई है। मतलब भाई बलवाल से लेके पंतला तक भाई साहब क्या बात है। तो फाइनली भाई हमने यहाँ पे लगा दी अपनी बाइक। तो यहाँ पे देख रहे हो ढाबा विक्रम सिंह नॉन वेज ढाबा, तो यहाँ पे हम खाएंगे नॉन वेज। तो अभी चलते हैं यहाँ से अंदर, पहले 1 kg चिकन हमने करा दिया। तो आ गया यहाँ पे हमारी हेलमेट और बैग आ गया, मैंने यहाँ से टेबल वगैरह लगे हैं। यहाँ से पीछे का व्यू बताते हैं भाई आपको, ये देखिए भाई क्या बात है। तो भाई यहाँ पे आ गया चिकन, मैंने यहाँ पे जानू भाई ने शुरू कर दिया, और यहाँ पे युवराज भाई, ठीक है ना, देखो क्या बात है।
यहाँ पे आ गई हमारी पेप्सी, तो हम भी बैठते हैं भाई, शुरू करते हैं। और यहाँ पे बाप बच्चा और उस हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चा, और यहाँ पे चावल, यहाँ पे चिकन, यहाँ पे युवराज भाई, और यहाँ पे जानू एंड यहाँ पे हमारे दिनेश भाई। दिनेश भाई मजा आ रहा है, गीले हो गए बारिश में, मजा आ रहा है, गीले हो गए पूरे, तो यहाँ से पूरी मेरी विंडशीटर भी गिल्ली हो गई भाई, क्या बात है। तो भाई देख रो उल्टे बैठ के जा रहे हैं, देख रहे हो भाई। क्या बात है। तो भाई मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं, विक्रम सिंह नॉन वेज ढाबा। गाड़ियाँ काफ़ी चलती है वाली दुकान, चूल्हे वाली जाए, यहाँ पे देसी बनती है, मतलब लकड़ियों की आग लगा के पूरी यहाँ पे चाय बनाते हैं पुराने स्टाइल से। सभी बंदे ने नाम डाला है चूल्हे वाली चाय, ठीक है ना। तो फाइनली भाई आ गई है चाय। अच्छा, तो मैं सोचू ये जा रहा है भाई, ये पाइप है, ये बाहर टैंकर आया था उसकी पाइप है भाई। तो भाई आ गई चाय, चूल्हे वाले चाय की चाय। क्या बोलते दिनेश भाई, मजा आ रहा है यार, ठंड के महीने में, ठंड के महीने नहीं, ठंड के मौसम में। तो भाई आपको टेस्ट चेक करके बताते हैं हम। तो यहाँ पे जानू भाई बताएंगे कैसी है चाय। जानू भाई कैसी चाय, अच्छी, एक नंबर चाय भाई, चूल्हे वाली चाय एक नंबर है। तो हम भी टेस्ट करके बताते हैं भाई आपको। यहाँ पे युवराज भाई की हेलमेट है, जो ये फायदेमंद है, हेलमेट खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा हेलमेट पहने हुए नहीं चाय पी जा रही है। और हमारी ये जो है कि फुल फेस वाली है, ये भी है, और ये दिनेश भाई की है। जानू भाई फुल पावर एंजॉय कर रहे हैं, फुल पावर ब्रो, फुल पावर। चलो हम भी पीते हैं, और साथ में यहाँ पे मट्ठी भी आ चुकी है भाई, क्या बात है यार, नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। तो भाई हम आ चुके हैं चूल्हे वाली चाय वाली दुकान में, तो ये पियेंगे चूल्हे वाली चाय की चाय। तो भाई एक नंबर चाय आ गई, मतलब बहुत सही है यार चाय, मैं ऐसे चाय पीता नहीं हूँ घर पे, तो आज सारे मुझे फोर्स कर रहे थे कि यहाँ की बहुत सही चाय होती है, तो मैंने सोचा चलो चेक करते हैं। तो भाई चाय पी तो वाकई यार अच्छी चाय बनी है। तो भाई यहाँ पे आओ ये, तो भाई कटरा दुमेल से थोड़ा पास में जाके, मतलब कटरा दुमेल से थोड़ी पहले आके, यहाँ पे चूल्हे वाली चाय की बहुत बड़ी दुकान है। यहाँ पे दो तीन दुकानें हैं मतलब बड़ी बड़ी, तो यहाँ पे सिर्फ चाय मट्ठी वगैरह और पकौड़े वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ पे आओ भाई, एक बार टेस्ट चेक करो और खाओ, प्रवेश करो। ओके गाइस।